तो दोस्तों, इस हफ्ते से आप सभी देख रहे हो कि चीन के बलून को लेकर काफी ज्यादा खबरें निकल के सामने आ रही है मीडिया के अंदर। परंतु अब की बार जो चीन के बलून को लेकर खबर आई है उसने अमेरिका तक के विशेषज्ञों के पैरों तले से जमीन को खिसका दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि आज से कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर का उपयोग करके चाइनीज बलून को फोड़ दिया था। परंतु तभी से दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्टों की नजर चीन के इन स्पाई बलूनों के ऊपर है, क्योंकि चीन अचानक से बलून के माध्यम से वेदर की स्टडी क्यों करने लगा, जिसके बाद में आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी फाइटर जेट हैं वो मैक्सिमम 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ पाते हैं, यानी जमीन से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर फाइटर जेट उड़ पाते हैं। वहीं पर भारत के पास Sukhoi-30 MKI है जो कि 58,000 से 60,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है। और यहां पर अमेरिका ने चीनी बलून को मारने के लिए F-22 रैप्टर का उपयोग इसलिए किया क्योंकि F-22 रैप्टर 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, यानी चीन का यह जो बलून है वो यदि 66,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर चला जाए तो फिर दुनिया में कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो कि इस बलून को मार के गिरा सके। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे भी फाइटर जेट थे जो कि जमीन से करीब 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते थे, परंतु अब उनमें से अधिकांशता फाइटर जेट रिटायर हो चुके हैं या फिर वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और इसी का फायदा चीन की जो सेना है वो उठा रही है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक आर्टिकल देखिए जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि चीन अपने दुश्मन देशों के खिलाफ ऐसे ही बलूनों को अपना सबसे ताकतवर हथियार बना रहा है, क्योंकि चीन इन बलूनों के माध्यम से अपने हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल को दागने वाला है। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी एक फोटो भी देख सकते हो जो कि 2018 की है, जिसमें चीन के द्वारा ऐसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकलों को एक बलून पर लादकर ले जाते हुए देखा गया था और चीन ने इस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण भी किया था। यानी चीन का मकसद साफ है कि ऐसे 80,000 से 1,00,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले बलूनों का निर्माण किया जाए जिन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों को लादकर दुश्मन देशों के क्षेत्र के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी तो इस बलून के माध्यम से चीन अपने दुश्मनों के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलों को दाग पाएगा। और यदि दुश्मन देश इन बलूनों को नष्ट भी कर देते हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल फिर भी नीचे गिरेगी और तब तक चीन दुश्मनों के ऊपर कहर बरफा चुका होगा। और चीन के द्वारा जानबूझकर ऐसे बलूनों का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि 80,000 से 1,00,000 फीट की ऊंचाई पर ना तो कोई फाइटर जेट उड़ सकता है और ना ही कोई मिसाइल इतनी ऊंचाई पर किसी भी टारगेट को नष्ट कर पाएगी। हालांकि कुछ मिसाइलें हैं जो कि ऐसे टारगेट को नष्ट कर सकती हैं, परंतु इतनी पावरफुल रडार नहीं है जो कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को एक्यूरेट तरीके से नष्ट कर दे। फिलहाल में इसको लेकर अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट भी सदमे में पहुंच चुके हैं। पर आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और क्या भारत और अमेरिका को मिलकर इस खतरे से निपटना चाहिए, कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।